का जो बर्थडे है वो कितना स्पेशल रहेगा और क्या कहना चाहोगे, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? मेरा बर्थडे अभी कुछ सालों से बहुत स्पेशल बन रहा है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अजय जी को ये क्रेडिट जाता है, हमेशा वो हर साल मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करवाते हैं। और एनीवे मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि कब इसका बर्थडे आएगा, और मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि इस टाइम दिवाली भी है और ख़ास मौका है कि दशहरा, वो क्या बोलते हैं, धनतेरस है आज, सॉरी। एंड दूसरा हम लोग एक चीज़ और बोलना चाह रहे थे, वैसे तो मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का हो ही रहा है, एंड एक छोटा सा और स्टार्ट कर रहे थे हम, अभी हमारे दोस्त बताएंगे। सबसे पहले तो मैं इसे देखी विशेष गुड विशेष देना चाहूँगा कि ये इसी तरीके से हर साल खूबसूरती से बर्थडे मनाती रहे, खूब पैसे कमाए, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हो। और हम लोग एक बहुत ही जल्दी एक हरियाणवी फिल्म सिनेमा स्टार्ट करने जा रहे हैं, चूँकि ये हरियाणा से है और ये उसमें प्रोड्यूसर भी है और ये लीड भी कर रही है। मेरा नाम, मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, मैं विकी हाडा एक्टर हूँ, आपने कुछ फिल्में एज ए प्रोड्यूसर एज ए हीरो मेरी आई है राजस्थान में, और इसके साथ में मैं हरियाणवी शुरू कर रहा हूँ। हम उसको तीन लैंग्वेज में स्टार्ट कर रहे हैं मूवी को, राजस्थानी एंड गुजराती एंड हरियाणवी। और ये अजय भाई उसमें हमारे साथ में हैं। हाँ जी सोने, आप क्या सुनता है होंगे आपकी यहाँ पर विला 49 में या 40? और वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस इनका, ये जो नया क्लब खुला है अभी हमारे अजय जी का, इसकी सबसे बड़ी ओपनिंग अभी अमीषा पटेल जी ने की थी। पहले मैं इनको बर्थडे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैंने एफ पी रिटर्न आपको दे, और मैं चाहता हूँ, ये मेरी बहुत अजीज दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि हमेशा इसकी तरक्की करे, इनको कामयाबी मिले, और इनका आज बहुत अच्छे दिन, बर्थडे दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन, तो ये जहाँ भी जावे धन लेके आवे। बगैर धन के कुछ भी नहीं है, और धनतेरस के दिन बर्थडे है। नहीं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है कि मेरे लिए अगर दोस्तों की सपोर्ट है तो सब कुछ हो सकता है, धन भी आ सकता है और सब कुछ हो सकता है। एनीवे और कुछ पूछ रहे हैं, अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत और बताइए, किस तरह की फिल्म है, रहेगी ये, मतलब कैसे कि, मतलब जैसे हमारे समाज में कुछ लड़कियां जैसे बाहर निकलती हैं, मतलब कैसे स्ट्रगल करती हैं लड़कियाँ, एंड जैसे कि राजस्थान की गर्ल्स है, लड़के हैं बाहर निकल के आ रहे हैं, तो वो लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं, और कैसे, मतलब हरियाणवी लड़कियों को जैसे बाहर बहुत कम निकलती थी पहले, अब तो निकल रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनको IPS ऑफिसर, डॉक्टर्स एंड मॉडल फील्ड में आने के लिए मौका नहीं मिलता, तो इसमें उनको मतलब दिखाया जाएगा कि भाई कैसे स्ट्रगल है, क्या क्या कर रही है लड़कियों ने, अपनी लड़कियों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना सीखो कि आपकी लड़कियाँ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है, समाज में लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर रही है और कर सकती हैं। बर्थडे की बात करते हैं, ऐसा कोई यादगार बर्थडे आपको याद हो, बचपन की ऐसी यादें, या कभी कोई गिफ्ट के लिए आपने कभी कुछ कुछ शेयर करना चाहोगे जो आपको याद है? मेरे को एक चीज़ सबसे ज़्यादा बचपन की याद आती है, जैसे कि इसमें बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है, तो मेरे डैडी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मुझसे कराते थे बचपन में, कि सुबह 3 बजे उठ के दौड़ा देते थे कि चलो बेटा दौड़ लगाओ, तो मैं ठंडी होती थी दिल्ली में, जैसे ठंडी होती है, तो मैं जाके वहाँ पे छुप के सो जाती थी, तो आज वो जो पापा ने हमें करवाया था वो चीज़ें हमारी आज काम आ रही है, कि वो मेहनत जो उन्होंने करवाई थी हमसे तो आज हम कर पा रहे हैं, तो इसलिए मुझे वो चीज़ें ज़्यादा मिस करती हूँ मैं, उन चीज़ों को, अपना कल्चर एंड अपनी बहुत सी चीज़ें बचपन की। और दूसरा, सबसे पहला बर्थडे मेरा अजय जी ने ही सेलिब्रेट किया यहाँ पे बॉम्बे में, वरना मैं बहुत कम बर्थडे मनाती थी अपना, तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है मेरा, एंड थैंक यू फॉर। मेरा सबसे बड़ा ये है कि मैं अगर डिज़ाइनिंग करूँ, मेरी जो फेवरेट माधुरी जी है, मैं माधुरी जी को बहुत मतलब पसंद करती हूँ, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आगे जाके उन्हीं का, अगर हो सका तो मिलने का मौका, या मतलब जैसे भी मैं उनके लिए डिज़ाइन करूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। और सलमान मेरा फेवरेट एक्टर है, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। अपनी फिल्म के लिए जो डेफिनेटली यू आर डिज़ाइनर, जो फिल्म रहेगी उसके लिए भी
यस उसमें वो तीन काम कर रही है, वो तो मैं कर ही रही हूँ, वो तो डेफिनेटली मैं कर रही हूँ। और मेरा जो डिजाइनिंग का है उसका कैसे कि लोग खुद पसंद करते हैं, कहीं भी मैं पार्टी में जाऊँ या कहीं भी जैसे भी मेरी डिजाइनिंग है उसको बहुत लोग पसंद करते हैं। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैं अपनी मूवी में तो करूँगी ही करूँगी, और एक दो मूवी में मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ऐसे बर्थडे के दिन बहुत से लोग होता है एक काम जो ऐसा करते ही बर्थडे के दिन, ऐसा आपकी तरफ से रहता है कि नहीं? हाँ मैं करती हूँ, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको संस्था में छोड़ के आ जाते हैं उनके बच्चे, तो मैं उनको अपने बर्थडे के दिन खाना खिलाने जाती हूँ, तो वो काम मैं ज़रूर करती हूँ। कुछ बच्चे हैं जो अनाथ होते हैं उनको मैं बुक और पेंसिल्स गिफ्ट करती हूँ। आपको कोई ऐसा ड्रीम है जहाँ पर टीच करना चाह रहे हैं? बहुत सारे होते हैं या फिर कोई बर्थडे की तुम्हें ऐसा कोई रेजोल्यूशन आप? मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूँ और सबके लिए एक होता है ना मोटिवेट बनूँ कि भाई हाँ ये लड़की आगे निकली तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखी, और मैं पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहती। बस मेरा यही ड्रीम है, ड्रीम कभी ख़त्म नहीं होता है, इंसान का ड्रीम कभी ख़त्म नहीं होता है। हम इतना पाते हैं फिर उसको और सोचते हैं, नहीं मेरा ड्रीम है कि मैं वहाँ पहुँचूँ जहाँ मतलब जहाँ तक ये लड़कियाँ सोच नहीं सकती, और उनकी थीम भी मुझे देख के आगे बढ़ने की होता है। मेरा मोटिवेट यही है कि मुझे देख के मेरे समाज की लड़कियाँ और ज़्यादा करने की सोचें। और सबसे बड़ी बात है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों की छोटी उम्र में शादियाँ मत करो, और उनसे बिना पूछे कभी भी उनके फ्यूचर के बारे में मत डिसाइड करो कि उनके साथ क्या क्या हो जाता है ना, वो मत करो। कभी उनको मार दिया जाता है, कभी उनको जला दिया जाता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उनके बारे में भी सोचिए। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आपके सभी दोस्त लोग आए प्यार जता रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे अगर आप? मैं सबके लिए थैंक यू बोलती हूँ कि मतलब ये सब लोग आए हैं इनकी विशेष के लिए, एंड इनके जैसे ही मतलब दोस्त मुझे मिले हैं तो गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए। और सबसे ज़्यादा मतलब इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं मेरे यहाँ पे, काफ़ी सारे पीछे भी मेरे दोस्त खड़े हैं जो अभी आके बाइट्स भी देखें, काफ़ी सारे बच्चे भी आए हैं, तो इनको सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। अरे अरे जी, वन लास्ट क्वेश्चन, समथिंग अबाउट सरगम, लाइक आप जानते हो हमारी दोस्ती को 8-9 साल? मैं 8-9 साल से जानता हूँ, और उनको कुछ नया करना अच्छा लगता है, और जो सोचती है वो करती है, मतलब लड़की होने के बावजूद भी उसने जो सोच लिया वो करती है। तो मेरा बेस्ट विशेस है, उनकी बर्थडे है, उनकी बर्थडे के दिन बेस्ट विशेस है, क्योंकि हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। उन्होंने जो सोचा है लड़कियों के विषय में या फिल्मों के विषय में, तो उनकी इच्छा पूरी हो। थैंक यू। सबसे ज़्यादा जो अवार्ड है हमारे यहाँ पर, वो मतलब कुश्ती में हो या किसी भी गेम में हो, वो हरियाणा लेकर आया है। हरियाणा से ही जितने भी अगर आप लोग सब जानते हैं, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि बाकी के दूसरे अवार्ड ये लेकर आएगी। और आज के दिन मेरी बेस्ट विशेष इसके साथ में कि लड़कियाँ तो आगे है ही, धनतेरस के साथ में धन भी लेकर आ रही है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बहुत लगेगा। थैंक यू। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे, मेरी भी खुशियाँ आपको लग जाए। आप 100 साल भी हो। थैंक यू सो मच। विश यू वेरी वेरी रिटर्न ऑफ द डे सरगम, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप ऐसे ही दिन ब दिन तरक्की करें, और ये धनतेरस का दिन वाकई में आपके लिए लक्ष्मी का दिन है, और हमेशा आपके पास लक्ष्मी बरसे, आपके पास बरसेंगी, हम सब आपके साथ हमेशा हैं, बरकरार हैं। थैंक यू सो मच। शी इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड शी इज अ वेरी स्वीट डियर पर्सन टू मी। आई लव हर आउटफिट्स, आई लव हर कलेक्शन, शी इज़ अमेजिंग फैशन डिज़ाइनर। थैंक यू। हरियाणा का नाम उन्होंने बहुत अच्छे से मुंबई में बड़ा रोशन किया है। बहुत कम हरियाणा की छोरी मुंबई में नाम रोशन करती है, अधिकतर आपने देखा होगा हरियाणा की छोरी या तो पहलवानी करती है या बॉक्सर बनती है। बड़े पहली हरियाणा की छोरी है जो फैशन डिज़ाइनर बनी है और मुंबई में अपना सिक्का जमा रही है।
आज उनका जन्मदिन है और हम सब उनको दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे समाज सेवा के भी काम करती हैं, बहुत सारे गरीबों की मदद करती हैं, मुक्के प्राणियों को खाना खिलाती हैं। मैं उनकी अच्छाई जितनी गिनाऊँ कम, तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आज के दिन वो और भी ऐसे प्रण करें अच्छे काम करने की, साथ ही साथ देश का भी नाम रोशन करें और हरियाणा का भी नाम रोशन करें। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मासी, मे गॉड ब्लेस यू। आई विश के आपकी सारी खुशियाँ पूरी हो रही, जितनी भी आपकी विश है सब पूरी हो रही, आपको ऊपर वाला सारी खुशियाँ दे दुनिया की। और उनके आउटफिट्स मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग फैशन डिज़ाइनर है, प्लीज़ ट्राई करो उनकी ड्रेसेज आपकी। थैंक यू।